आज कहते हैं उम्र अमराज मतलब तेले च भी कहते हैं और कहते हैं कि कब्ज़ जी ना ये काफ़ी सारिया बल्कि ढेर सारी बीमारियां जा रही है तो कब्ज़ की वजह तो लोग परेशान भी बड़े ने ना को ना लै सकता है और ये दूसरिया बीमारियां बढ़ने नाल बचीरियां बड़िया बढ़ जाए तो हाँ जी मैं उन्हें कवानी असबाब सित्ता जरूरिया दसे से ना कवानी ने फितरत कानून ने सेहत के तहत तो सेहत के कवानीन इस्तफराग इतबास दसिया सीगा जे पखाने ही लगे रहन इधरों गज़ा खादी लगे गए तो फिर बंदे ने कमज़ोर वो गज़ा क्यों बनेगा किमें नशो नमा किमें होगी कूतां किमें बहाल होनगियां जे कब्ज़ ही हुई रहे मौके जो फुगलात खारज होने गड्डी का धुआं ही ना निकले पिछों सिलेंसर बंद कर दौ तो फग फग करके बंद ही हो पैना इस तरह साडा निजाम है अगर पेशाब नहीं आए किमें तंगी होंगी सह ना आए तो बंदा लगा जाता है कब्ज़ हो जाए वह भी तंगियां देती है दूसरा तुम क्या उम्मुल अमराज नहीं खुद अलामत है कि कब्ज़ बजाते खुद एक अलामत है मर्ज नहीं है मर्ज के पिछे है जेडे जिंद वजह ना बंद कब्ज़ हो ही है वह वजह हैगी कि अजलात दे विच तनाव आ गया मस्कूलर टिशू जड़े ने गे उन्हां विच तनाव आ गया दूसरे नंबर ते या मेदे ने या मेदे ने और आंता ने अपना हाजमा पूरा नहीं कर पाए तो जिसम ने रोकी हुई गज़ा ताकि हजम होन दे वास होए या तो गज़ा कच्ची पई है तो या अजलियां दे विच तनाव आ गया वह आना है खुशकी नाल खुशक चीज़ा खाण ना अफ्यून खाण ना तेल पत्ती की चाह पीन ना कोई ऐसा सिगटा ही पीन नाल या कोई होर ऊट पटांग चीज़ा खानियाँ मेरे दिन सही पता ही नहीं लगता कि मैं ठंडी चीज़ गर्म हजम करना मिठी हजम करना है लून मिर्च आली करना है करारी करना है मैं पिज़्ज़ा करना है बर्गर करना है या मैं किसी होर करना है वो कन्फ्यूज़ होया जिमें असी बहुत सारे बंदे बोल दिए तो कन्फ्यूज़ हो जाने कि गल सुनीए या की फैसला करिए खिचड़ बनया असेंबली जो भी इस तरह होंगे साड़ी वो भी खिचड़ बनया कोई फैसला नहीं करता बगैर फैसला तो नशे भजे फिर दे एवें पास कराया ने कानून पता ही नहीं कि कानून पास है तो की करना अगे तो इस तरह ही वह फिर मेदा डिस्टर्ब होता उत्थे कब्ज़ हो पैंदी हुण उहदा की इलाज हैगा उहदा भी सबब ही दूर करना होंदा वेखना जे मेदे च ठंडा होया हैगा खट्टे डकार आउंदे खाणा बंद करो खाणा बंद कर दे मतलब गज़ा पई हुई हुण इत्थों हजम होकर थले जाएगी तो कब्ज़ आप ही हट जाएगी उहदे वास्ते की करना है उहदे वास्ते अजवैन दालचीनी का काहवा ले लो अजवैन पुदीना दालचीनी तीन चीज़ों का काहवा लो उहदे नाल हाजमा दुरुस्त होएगा अलबत्त खाना कुछ नहीं जदों तक तक वो खट्टे डकार नहीं हट जाते थोड़ी रफ अगे भुख नहीं लग जाती उदों तक कुछ नहीं खाना ये काहवे तो गुजारा करना तो काहवा भी थोड़ा ही पीना है ताकि सिर्फ मेदे को तहरीक देनी है गर्म करना है कि वह अपना काम कर लग पे वो अपना गैस्ट्रिक जूस अपनी हाजम रतूत छोड़न लग पे उन्हें पता लगे कि यहोजी चीज़ वो माव ने असल चीज़ देती है जी असी पुदीना दालचीनी तो अजवैन का काहवा दिता है दूसरे कभी वो ये नोइयत असी पछाणा कि हम असी अजवैन पुदीने दालचीनी देना अजवैन पुदीना वड्डी इलाची का देना है पुदीना पुदीना दालचीनी वड्डी इलाची का देना है या इतने सौंफ का काहवा देना है ये असी कैफियत वेखनी है दूसरा है अपने मतली आई जाती तभी ये दे सकते हैं यानी खाना नहीं है जो मतली आँदी बाद कदम उंगली मार के कै भी करा दो तक मेदा साफ हो जाए कुछ भावें थोड़ा जहा पानी क्यों ना निकले थोड़ा जहा निकले वे मेदा क्लीयर है ये है पहला अरबा दूसरा है तो गज़ा तो इतों तो नहीं हैगी ठीक है थले कब्ज़ हैगी वास्ते सू घ्यो चाहिए है चकनाई चाहिए कोई ताकि उतों मुलायम करे अगे चली जाए गज़ा उत्थे हजम हो गई जा चुकी थले आंतों के हुण निकलती नहीं पई उत्थे हुण नरमी चाहिए ना वो नरमी वास्ते साढ़े वास्ते देसी घ्यो जिन्हों का डॉक्टर कहें कोलेस्ट्रॉल पैदा करता मल्टीनेशनल कंपनियां कहें डॉक्टर बेचारे ने की कहना उन्होंने सारा फैलाया जरा ना वही डॉक्टर कही आ रहे हैं लागे नहीं जाना वो घ्यो ही यदा इलाज घ्यो नहीं है तो जैतून चाह च पा के पीजो पत्ती के कावे च पा के पीजो किसी तरह भी अंदर चले जा उस तरह तुम ले जाओगे तो उस तरह वो शायद ना पहुँचे उन्होंने पतला करने वास्ते सानू किसी चीज़ की नाल मदद चाहिए बदरके की मदद चाहिए वो काहवा भी गर्म गर्म हो सकता है चाय हो सकती दुध चू चला जा सकता दुध बजाते खुद भी नरमी पैदा कर देगा इस तरह इस गोल का छिलका ले लेंगे वो भी मुलायमत करता है लेकिन बार बार लवोगे उन्हें आंतों दियाँ वो जड़ियाँ सक करने वाली या जजब करने वाली गज़ा
तो रतूबत सड़न वाली जी मसाम ने उन्होंने बंद कर देना, फिर कबज पक्की होर हो जानी, या फिर आंता ने अपना काम ही नहीं करना उस तरह जिस तरह जिते पई गाना अगे आंता दे ना एक हरकत इस तरह की, वो हरकत उन्होंने बंद हो पैनी, स्लो हो पैनी, फिर भी कबज हो पैनी, बार बार खान, बार बार घड़ी घड़ी खाने नाल कदी कितनी हो कभी फायदा ये देगा उदो कदी कदी नहीं देसी घ्यो सा खुराक है घ्यो दुध सा बेस जमन तो लैके मरण तक ये साड़ी खुराक है, दुध पीना दुध में मौजूद है वो ही साड़ा है चलता पिया, उहदी कमी आ जाती है। गिज़ा दे छे जूज ने उहदे विचों तीन जरूरी ने, कार्बो प्रोटीन जिन्हों गोश्त कहने, कार्बोहाइड्रेट जिन्हों नशास्ता कहने अनाज साड़ा जिहड़ा गंदम शंदम, तीसरी फैट्स ने जिन्हों असीं चिकनाइयां कहने, तीनों दीआं मददगार ने, एक पानी जिहड़ा उहनां नूं पतलियां करदा है, दूसरे विटामिन ने जिहड़े उहनूं हजम दे विच छेती मदद दे दें, मदद करते हैं, नमकियात ने जेडे वह भी गिज़ा तोड़ते हजम करते, हाँ जी ये चीज़ा ने गिज़ा दे तीन जोध, वो तीन जोधा के बचों के जोध असी बहुता खा लिया फिर वह जो काम हो पैना, जे असी प्रोटीन खा ली तो भी कब्ज़ हो पैनी, जे असी कार्बोहाइड्रेट तो खा ले तो फिर सानू मोशन ही लग पैणगे, जे चिकनाई खा ली तो फिर भी मोशन आवगे बट अपने की कहते मोटे भी होंगे जावे सारे, या फिर तहलील हो अपने क्योंकि चिकनाई जी ना जो हजम ना हो तो उन्हें बाहर निकल दी जाना फिर तो जिसम सुकता भी जाना है हम बिल्कुल सारे किसी चीज़ की भी ज्यादती या कमी नुकसान दे, सिर्फ एक्सैस नहीं लेक भी है, इतदाल इतदाल चाहिए है।